Hi guys, welcome back to the fifth class. This is Narun Nagri, English language trainer and career coach. आइए शुरुआत करते हैं हम आज जो हमारा next timing आता है. जैसे कि हमने जाना था action, right? तो पिछली क्लास में हमने जाना था action और action के लिए हमारे पास जो structure होता है वो do attempted action, right? So do attempted action में हमारे first timing थी progress, मतलब काम लगातार जारी है, right? तो आज हमारी second timing है जिसका नाम है just finish. जस्ट फिनिश मतलब कोई काम जो अभी अभी खत्म हुआ है, यानी एक काम लगातार अगर चल रहा है तो वो काम क्या रहेगा हमारा प्रोग्रेस, एंड अगर काम खत्म हो गया तो वो क्या हो जाएगा जस्ट फिनिश हो जाएगा. और जस्ट फिनिश की अगर मैं बात करता हूं तो जस्ट फिनिश का मतलब है काम अभी अभी खत्म हुआ. तो जस्ट फिनिश के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है वो रहेगा डूअर, टाइम वर्ब एंड एक्शन थर्ड. और टाइम वर्ब होने वाला हैज एफ प्लस एक्शन थर्ड, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया वो डूअर हैज अ एक्शन थर्ड, राइट? तो बोल दीजिए मेरे साथ डूअर हैज अ एक्शन थर्ड, डूअर हैज अ एक्शन थर्ड, डूअर हैज अ एक्शन थर्ड, राइट? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी फिफ्थ क्लास, यानी कि जस्ट फिनिश टाइम वर्ड, राइट? इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पिछला वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये क्लास भी समझ में आएगी. एंड अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले क्लासेस आपको मिल पाएंगे, राइट? तो मैंने बोला कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, सो आई एम अटेंडिंग द क्लास, राइट? और मैंने बोला मैंने क्लास अटेंड कर लिया है, यानी अभी अटेंड कर रहा हूं और अभी मैंने काम खत्म कर लिया, काम खत्म कर लिया तो मैंने अटेंड कर लिया है, राइट? इन द सेम में मुझे बताना है कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, राइट? तो मुझे बताना है कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, यानी काम खत्म, राइट? तो इसी तरह से जब कोई काम हमारी आंखों के सामने लगातार हो रहा होता है, जिसे हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो हमारा प्रोग्रेस होता है. और जब काम चलते चलते खत्म हो जाता है तो वो क्या होगा हमारा जस्ट फिनिश हो जाएगा, राइट? तो जस्ट फिनिश की हम बात करेंगे तो डूअर हैज अ एक्शन थर्ड. तो मुझे बताना है कि मैंने क्लास अटेंड कर लिया है, आई हैव अटेंडेड द क्लास, राइट? मैंने नोट्स बना लिए, आई हैव मेड नोट्स, राइट? मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट. तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड. अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक्शंस के फॉर्म यानी वर्ब्स के फॉर्म याद होना चाहिए. अगर हमें वर्ब्स के फॉर्म याद नहीं होंगे तो हम ठीक तरीके से सेंटेंस का यूज नहीं कर पाएंगे, राइट? तो सबसे पहले आपको जो करना है वो आपको वर्ब के फॉर्म्स को याद करना है. मैंने पहले भी बताया था कि आपके सिक्स क्लास से लेकर के ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की किसी भी इंग्लिश किताब में जिसमें वर्ब टॉपिक हो उसमें वर्ब के फॉर्म्स दिए होंगे, आप उन फॉर्म्स को याद कर लीजिए, राइट? कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको मैक्सिमम वर्ब्स यानी एक्शंस आपको प्रोवाइड करा पाऊं, जिससे आप उनको यूज कर पाए और अपनी डे टू डे लाइफ में एड कर पाए, राइट? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एक्शंस दिए हैं, राइट? जिसमें मैंने पहले दिया बाय, बाय मतलब खरीदना, हम सब लोग जानते हैं. तो बाय का सेकंड फॉर्म बॉट एंड थर्ड फॉर्म बॉट. तो आई हैव बॉट, मुझे बताना है मैं कुछ खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग समथिंग, राइट? और मैंने कुछ खरीद लिया तो आई हैव बॉट समथिंग, राइट? इन द सेम वे मुझे बताना है मैं ला रहा हूँ, आई एम ब्रिंगिंग. और मैं कुछ ले आया, मैं मान लीजिए मैं स्वीट्स ला रहा हूँ, सो आई एम ब्रिंगिंग स्वीट्स. मैं स्वीट्स ले आया तो आई हैव ब्रॉट स्वीट्स, राइट? ब्रेक, मैं तोड़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, आई एम ब्रेकिंग, राइट? और मैंने तोड़ दिया, आई हैव ब्रोकन, राइट? इन द सेम वे आई एम राइडिंग, राइट? मतलब सवार होना होता है, आई एम राइडिंग हॉर्स. मैं घोड़ा चला रहा हूँ या घुड़सवारी कर रहा हूँ, सो आई एम राइडिंग हॉर्स. और मैंने घुड़सवारी कर ली, मैं उतर आया हूँ, काम खत्म हो गया है, सो आई हैव राइडिंग हॉर्स, राइट? इन द सेम वे मुझे पता है ड्राइव, आई एम ड्राइविंग द कार. मैं कार चला रहा हूँ और मैंने कार चला लिया, आई हैव driven car, right? In the same way, I am finishing my work and I have finished my work. In the same way, I am attending the class, I have attended the class. तो हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जो काम लगातार चल रहा है, so ing के साथ बात करेंगे, I am attending. And मैंने attend कर लिया, so I have attended the class. यानी कि काम चल रहा है और फिर खत्म हो गया, right? तो क्या हम लोग practice कर सकते हैं? तो चलिए आज हमें practice करना है बिल्कुल different तरीके से. पहले मैं बात करूँगा progress की, then after just finish की, right? So I am attending, I have attended, I am doing, I have done, I am preparing, I have prepared, I am listening, I have listened, right? So I am knocking, I have knocked, I am writing, I have written, I am sending, I have sent, right? तो इस तरह से हम practice कर सकते हैं. In the same way, हमें he, she, you, they, we के साथ में practice करनी है. तो अगर मैं he के साथ में practice करता हूँ तो हम सभी लोग जानते हैं he के साथ has पे use होने वाला है. He has completed his work, right?
तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सा सेंटेंस आता है, और जैसे हम लोग लैंग्वेज में गलत भी कर लेते हैं कुछ, स्टूडेंट से पूछा भी जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताना मैं मुंबई होके आया हूँ या मैं मुंबई गया हूँ, तो मुंबई गया हूँ मतलब मैं काम करके खत्म कर चुका हूँ, सो आई हैव, अब जाने के लिए गो लगा के तो गॉन हो जाएगा, आई हैव गॉन टू मुंबई, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा, तो इस सेंटेंस को हम ठीक करेंगे, आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई होके आया हूँ क्योंकि मैं होके वापस आ गया, राइट? सो होके वापस आ गया तो क्या हो गया, आई हैव बीन टू मुंबई, राइट? सो आई हैव बीन टू मुंबई, ठीक है? मैंने डांस, मैं बहुत बार मुंबई गया हूँ, आई हैव बीन टू मुंबई, मैंने डांस, राइट? तो अगला सेंटेंस आता है नॉट के साथ, सो आई हैव नॉट बीन टू मुंबई, मैं मुंबई नहीं गया हूँ, राइट? सो जब हमें नॉट का यूज करना है तो हैव नॉट को शॉर्ट में बोल देंगे हैवंट, आई हैवंट बीन टू मुंबई, आई हैवंट टेकन लंच इन फाइव स्टार होटल, तो मैंने कभी भी फाइव स्टार होटल में खाना नहीं खाया है, राइट? अगर मुझे कंफर्म करना है क्या मैंने काम खत्म कर लिया, क्या मैंने टीवी बंद कर दी थी, क्या मैंने बल्ब स्विच ऑफ कर दिया था, क्या मैंने पानी गर्म कर लिया था, क्या मैंने उसे कॉल कर दिया था, तो जब मैं अपने आप से कंफर्म करना तो हैव आई, एक्शन थर्ड बोल दी हैव आई, एक्शन थर्ड हैव आई, एक्शन थर्ड हैव आई, एक्शन थर्ड, सो हैव आई कॉल्ड हिम, Have I switched off the TV? Right? So, have I informed him? क्या मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है? ठीक है ना? और अगर नेगेटिव में ही बोलना है, कंफर्म करते हैं समय, मैंने नहीं किया है, क्या मैंने नहीं किया है? So, haven't I action third? ठीक है ना? तो हम इस तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं सेट्स की। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमें प्रैक्टिस के लिए सेट्स की जरूरत पड़ेगी, बिना सेट्स प्रैक्टिस के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, राइट? तो हमारे पास पहला सेट आता है जिसमें मैं अकेले आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्या आपने काम कर लिया है? तो क्या आपने काम कर लिया है मतलब हैव यू, राइट? सो जैसे कई बार हम देखते हैं कि क्लास पे मैं नोट कर रहा हूँ और टीचर पढ़ा रहे हैं, और मैंने सबसे पहले नोट करके रख लिया और पेन नीचे रख दिया, बाकी सारे स्टूडेंट्स नोट करने लगे, तो टीचर को ये डाउट हुआ क्या आपने नोट कर लिया है या आप नोट नहीं कर रहे हैं, तो टीचर ने पूछा क्या आपने नोट कर लिया, हैव यू नोट इट डाउन, सो मैंने क्या बोला, यस यस टीचर आई हैव नोट इट डाउन, हैव यू लर्न, यस आई हैव लर्न, हैव यू लिसन, यस आई हैव लिसन, राइट? तो जब सैट की बात करते हैं, प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो अगेन हमें दो लोग चाहिए, और जब दो लोग चाहिए तो एक मैं हो गया और एक आप हो गए, राइट? तो चलिए मैं आपसे जान लेता हूँ, हैव यू रिटन अ लेटर, राइट? तो आप कहते नो 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 I have not written a letter. Short में बोलेंगे I haven't written a letter, but है ना, he has written a letter. अब he में आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, right? But he has written a letter. In the same way मैंने पूछा आपसे have you typed a letter? आप क्या बोलते हो? No, I haven't typed a letter, but he has typed a letter. इसी तरह से मैंने पूछा have you sent email? No, I haven't sent email, but he has सेंड ईमेल, राइट? तो हमें इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, तो घर में आप दो पार्टनर ढूंढ लीजिए एंड एक आप हो जाइए एक वो, इसीलिए मैंने सीट में ए और बी करके दिया हुआ है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे तो हमारे पास सेट टू आता है, सेट टू में अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे आपसे कंफर्म करना है किसी और के बारे में, राइट? क्या आपके फादर आ गए? हैज योर फादर कम, क्योंकि कम के इनकम थर्ड फॉर्म हमारी कम होती है, राइट? इन द सेम वे मैंने पूछ लिया क्या आपके फादर ने आपको डांटा, सो हैज योर फादर स्कॉल्डेड यू, नो ही हैजंट स्कॉल्डेड मी, बट ही हैज आई हैव स्कॉल्डेड, राइट? सो सेट टू में मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं किसी और के बारे में, और आप बता रहे कि उसने ऐसा नहीं किया बट वो काम मैंने कर लिया, राइट? इन द सेम वे मैंने आपको बोला था कि आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने प्रैक्टिस कर लिया, so have you practiced? आप बोलते हैं no 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 I haven't practiced but he has practiced. अगर मुझे आपसे उसके बारे में पूछना है क्या उसने प्रैक्टिस कर लिया, so has he या has she practiced, has he practiced, तो आप कहते no he hasn't practiced but I practiced, right? तो हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है? I, he, you, we, they, इनके अलावा भी कुछ और लोग भी हमें बात करने के लिए मिलते हैं, जैसे someone, मुझे बता रहे किसने यार दरवाजा खटखटाया, किसी मेरा पैन चुरा लिया, किसी ने मेरा पॉकेट मार दिया, समवन, तो समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, समवन हैज स्टोलन माय पैन, समवन हैज, तो मैंने बताया था आपको समवन के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे, समवन के साथ इज का यूज करेंगे, राइट? समवन इज, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, राइट? अब मुझे बताना है
मेरा एक दोस्त है राइट, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज, मेरा एक पड़ोसी है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय नेबर्स हैज राइट, मेरा एक कजन है, वन ऑफ माय कजन्स हैज राइट, तो मुझे बताना है कि मेरे कई कजन्स में से एक है, मेरे कई ब्रदर में से एक है, कई फ्रेंड्स में से एक है, कई पड़ोसी में से एक है, तो हमारे पास हमेशा टाइम वर्ड सिंगुलर रहने वाला है, यानी हैज रहने वाला है। तो मुझे बता रहे मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया था, सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज कॉल्ड मी, तुम्हारे एक दोस्त ने तुम्हें कॉल किया था, तो वन ऑफ योर फ्रेंड्स हैज कॉल्ड यू राइट, किसी ने दरवाजा खटखटाया, समवन हैज नॉक्ड एट द डोर राइट, तो हमें समवन और वन ऑफ करके भी बात करनी है राइट। तो अभी हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, आई एम डूइंग, आई हैव डन, आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड, आई एम रिंगिंग द बेल, आई हैव रंग द बेल राइट, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई हैव संग द सॉन्ग राइट, इन द सेम वे आई एम स्विमिंग इन द पूल, आई हैव स्विम इन द पूल राइट। सो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हमने हमारा सेकेंड टाइमिंग कंप्लीट किया जिसका नाम है जस्ट फिनिश। तो हमारा पहला टाइमिंग क्या था, प्रोग्रेस, एंड दूसरा टाइमिंग जस्ट फिनिश। प्रोग्रेस मतलब काम लगातार चल रहा है, जस्ट फिनिश मतलब काम हो गया राइट। तो हमारे जो स्ट्रक्चर वो क्या है, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। और जब हमें कंफर्म करना होता है किसी चीज के लिए तो क्या होगा, टाइम वर्ड को आगे लाएंगे, टाइम वर्ड, डूअर और एक्शन राइट। चलिए आई होप कि आप समझ चुके होंगे एंड आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा इंग्लिश सीख पाएंगे। सो कीप डूइंग प्रैक्टिस एंड आई होप कि आप एक्शंस यानी वर्ब्स की फॉर्म्स को जरूर याद करेंगे। जितने ज्यादा वर्ब्स आपको पता होंगे उतने ही अच्छी इंग्लिश, उतनी बेहतर इंग्लिश सब सीख पाएंगे, बोल पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।